तेरी लीला न्यारी दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, लेकिन उस भगवान की माया को जानने वाला कोई नहीं हुआ है। सुनिए, तेरी लीला न्यारी रहियो भेद मिलाना भगवान रे, तेरी लीला न्यारी भेद मिलाना भगवान रे, तेरी लीला न्यारी भेद मिलाना भगवान, और सात दीप को खंड रचा के रच दिया सकल जहान, तेरी लीला न्यारी भेद मिलाना भगवान रे, तेरी लीला न्यारी भेद प्रेमियों बताया, तेरी लीला न्यारी भेद मिले ना भगवान, तने सात दीप नौ खंड रचा के रच दिया सकल जहान। कैसे इस सकल संसार की रचना की गई, के बनाया भगवान ने, पहले नंबर पर सुनिए क्या लिखा है। ऊपर तने आदरणीय भाई सोमवीर जाखड़ 500 रुपए बाबा के मंदिर के लिए दान करते हैं, भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई, जोरदार ताली। सुनिए नंबर एक में, वो पानी के ऊपर तने धरती को टिकाया कैसे, नीचे नहीं खंब ऊपर अंबर को बिछाया कैसे, वो नीले गगन में रनो लख तारों को सजाया कैसे, वो नीले गगन में रनो लख तारों को सजाया कैसे, जब सूरज पे गर्मी शीतल चंद्रमा बनाया कैसे, बाप ते बना के बादल पानी बरसाया कैसे, ओ सोलह कला तर चांद पूनम को खिलाया कैसे, ओ सोलह कला तर चांद पूनम को खिलाया कैसे, ये ऋषि मुनि बिहार लिए तेरे अजब निराली शान, तेरी लीला न्यारी भेद मिलाना ओ भगवान रे, तेरी लीला भेद मिलाना भगवान। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसी रागनियां चलती हैं तो जो मेरे नौजवान भाई हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जब इस रागनी पर सम्मान करते हैं तो प्रेमी वो सम्मान हम जैसे कलाकारों के लिए नहीं, वो सम्मान अपने पूर्वजों के लिए होता है, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस छत्र छाया के नीचे आराम से बैठे हैं। मैं भाइयों का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा एक बार भाइयों के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। नंबर एक में बताया, पानी के ऊपर तने धरती को टिकाया कैसे, जब नीचे नहीं खंब ऊपर अंबर को बिछाया कैसे। जब मकान की छत डलती है तो उसके नीचे दीवार या पिल्लर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन भगवान ने जो हमारे ऊपर छत रखी, जो आसमान हमारे ऊपर भगवान ने रखा है, उसके नीचे कोई दीवार या पिल्लर आपको नजर नहीं आएगा, ये उस भगवान की माया है। नंबर दो में सुनिए, उसने कैसे संसार को रचाया, के बनाया, क्या लिखा। Thank you.
कर दिया खारा क्यों, कहीं कहीं सूखा पड़ता कहीं जल की धारा क्यों, यार कहीं पे उजाड़ा र भगवान ने कहीं आंधिया रा क्यों, यार कहीं पे उजाड़ा र भगवान ने कहीं आंधिया रा क्यों, और अन्न का न दाना कहीं पे कहीं भरे भंडारे क्यों, कहीं बूंद पानी को न्या कहीं चलते फवारे क्यों, और गर्मी ने सताया कहीं पे कहीं पड़ रे शीत करारे क्यों, फिर गर्मी ने सताया कहीं पे कहीं पड़ रे शीत करारे क्यों, और भगवान ने जो धरती बनाई है, आप चाहे इंग्लैंड चले जाओ चाहे जापान चले जाओ चाहे अमेरिका चले जाओ, जो धरती भगवान ने बनाई है ये एक ही धरती है, दूसरी धरती आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन उसमें भी भगवान ने फर्क किया है, कौन सा, ये कहीं सोना कहीं चांदी उपजे, कहीं सोना कहीं कहीं चांदी उपजे, कहीं परे किसान तेरी लीला नारी वेद मिला ना, ओ भगवान रे तेरी लीला नारी वेद मिला ना भगवान, नंबर तीन में बताया उस परमपिता परमात्मा ने जैसे संसार को रचाया उसके साथ साथ इस दुनिया में उस भगवान ने कई ऐसे करिश्मे दिखाए हैं, कई ऐसी अद्भुत चीजें बनाई जिसके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो कौन कौन से करिश्मे भगवान ने दिखाए सुनते हैं नंबर तीन में क्या लिखा कवि ने, यार इस भाई को डांटो ना एक बार थोड़ी देर जरूर, 100 रुपए से भाई सम्मान करके गए हैं और हमें आशीर्वाद देकर गए हैं कि भाई एक रागनी मैं और निशा जांगड़ा जी महाभारत के प्रसंग की रागनी आपके बीच में सुनाएं, जरूर सुनाकर जाएंगे, जैसा हमने अपने गुरुजनों से सीखा है आपको बीच में जरूर सुनाकर जाएंगे, 100 रुपए से भाई सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए नंबर तीन में उस भगवान ने कौन कौन से करिश्मे दिखाए के बताया, आइए सुनते हैं। हेर बिजली का रागनी की तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी, देखिए रागनी के जो कलाकार हैं भाई ये जानते हैं कि रागनी गाने में बहुत जोर लग गया करे, और एक भी श्रोता का ध्यान जब इधर उधर हो जाता है तो रागनी आड़ा का पसीना जाएगा, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है 5 मिनट 2 मिनट की रागनी बची है मेरी, ध्यान से सुनो आपको जरूर आनंद आएगा, के करिश्मे दिखाए भगवान ने सुनते हैं नंबर तीन में, फिर बिजली का करंट पीछे जुगनू के लगाया कैसे, तेरा यो नूर दाता कण कण में समाया कैसे, मेहंदी के पत्तों के रे अंदर लाली को छुपाया कैसे, और मेहंदी के पत्तों के अंदर लाली को छुपाया कैसे, ये र कहीं कहीं धूप खिले कहीं कहीं छाया कैसे, वो गुलर में फूल बिना फल को लगाया कैसे, जड़ और पत्तों के बिना यो अमर बेल छाया कैसे, ओ जड़ और पत्तों के बिना अमर बेल छाया कैसे, सन चमगादड़ उल्टा लटकाया फिर चमगादड़ उल्टा मिला ना भगवान।
कागड़े चमगादड़ उल्टा लटकाया मेंढक बिना जबान, तेरी लीला न्यारी भेद मिले ना भगवान। एक जीव बनाया है भगवान ने मेंढक, मेंढक ऐसा जीव है जिसको भगवान ने बोलने के लिए आवाज नहीं दी। बड़े कम श्रोता इस बात को जानते हैं। एक बार तावड़ू के पास में हमारा प्रोग्राम चल रहा, मैंने ये बात सुनाई, भाई तने चमगादड़ उल्टा लटकाया मेंढक बिना जबान। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, भाई मासे जी गलत है बात। मखा जी कैसे? बोले तू नू कह रहा है कि मेंढक को आवाज नहीं दी, और जब बरसात का समय होता है तो वे ही मेंढक ट्रटर करते हमने भी सुने हैं। मखा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मेंढक ट्रटर जरूर करता है लेकिन वो बोलने की क्रिया नहीं होती, वो सांस लेने की क्रिया होती है। जब मेंढक ट्रटर आता है तो यहां से उसका गला ऐसे फूलता है, आपने देखा होगा। और केवल नर मेंढक टटराते हैं, मादा मेंढक कभी टटराती भी नहीं है, ये उस भगवान की माया है। नंबर चार में सुनिए, जो रात भगवान ने बनाई ये सोने के लिए बनाई गई है, आराम करने के लिए बनाई है, लेकिन एक जीव ऐसा बनाया भगवान ने जो रात के समय में कभी सोता नहीं है। आप सब विद्वान श्रोता हैं, कौन सा वो जीव है और के भगवान ने बनाया, आइए नंबर चार में सुनते हैं। सोने को ओ सोने को बनाई रात, सोने को बनाई रात, चकवे ने जगाई क्यों, हाथी को बना के बड़ा छोटी आंख लगाई क्यों, इरे पेट में मिर्ग कर भगवान कस्तूरी छुपाई क्यों, इरे पेट में मिर्ग कर भगवान कस्तूरी। पूरी रागनी खत्म होने के लिए जा रही है, अंतिम तीन लाइनें बची हैं और ये तीन लाइन आप जैसे विद्वान श्रोताओं के लिए लगाई है। और अंतिम लाइन, अगर आप वास्तव में रागनियों के शौकीन हो, मेरी अंतिम लाइन सुनिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद के रूप में आपकी तालियां चाहूंगा। पहले सुनिए उसके बाद में। मोर भोग करता कोन्या भोग करे संसारी क्यों, कौवे को दो आंख लगा के एक पुतली डारी क्यों। इस बात को भी बड़े कम श्रोता जानते हैं। एक जीव बनाया भगवान ने कौवा, कौवा ऐसा पक्षी है जिसको भगवान ने आंखें दो लगाई लेकिन पुतली एक ही डाली है। जब इस आंख से देखना होता है तो पुतली इस तरफ आ जाती है, इस आंख से देखना हो तो पुतली इस तरफ आ जाती है, ये उस भगवान की माया है। और अंतिम लाइन अच्छी लगे तो ताड़ियों का आशीर्वाद चाहूंगा। मोर भोग करता कोन्या भोग करे संसारी क्यों, पई कौवे को दो आंख लगा के एक पुतली डारी क्यों। अब आपकी बारी है, अंतिम लाइन सुनिए, अच्छी लगे तो ताली बजाना। जब एक ही बनाने वाला तो सूरत न्यारी न्यारी क्यों, एक ही श्री फतेह राम कोई जान सक्या ना